आप सब लोग अपने अपने परिवार के साथ रामलीला देखने आए हुए हैं, ये बहुत जरूरी है। मेरे को याद है बचपन में हर साल रोज हम रामलीला देखने जाया करते थे। इससे हमें एक तरफ अपनी संस्कृति के साथ जुड़ते हैं और दूसरा भगवान राम के जीवन से हमें बहुत संदेश मिलता है। बच्चों में अच्छे गुण आते हैं। आप सोचो भगवान राम कितने बड़े त्यागी पुरुष थे। अगले दिन सवेरे उनका राज्याभिषेक होने वाला, राजा बनने वाले थे, और पिछले दिन रात को राजा दशरथ ने उनको अपने कमरे में बुलाया और माता कैकेयी कहती है कि 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। सारी अयोध्या की जनता भगवान राम के साथ थी। अगर वो चाहते तो वो कह देते मैं तो नहीं जाता, मैं तो राजा बनूंगा, और जनता उनका साथ देती। लेकिन भगवान राम तो राम थे, भगवान थे। उन्होंने 2 मिनट भी नहीं सोचा, 2 मिनट के अंदर उन्होंने निर्णय ले लिया, सारा राजपाट त्याग के और 14 वर्ष वनवास के लिए चल पड़े। ऐसे थे अपने भगवान राम। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, दिल्ली के सब लोगों से, देश के लोगों से गुजारिश है, आजकल टीवी का जमाना है, टीवी तो देखो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन रामलीला अपने बच्चों के साथ आकर रामलीला के मैदान में ही देखनी चाहिए, टीवी की बजाय अपने यहाँ पे आके देखनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आप सब लोग आए हो, आपको सबको भगवान बहुत खुश रखे, स्वस्थ रखे, अपनी पूरी दिल्ली की प्रगति हो, अपने देश का पूरे विश्व में नाम हो, हमारा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने, ऐसा मेरा सपना है। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। दिल्ली गरीबों के मसीहा, देश की भावी उम्मीदें आज हमारे मध्य में है और आपने हमें लव कुश रामला कमेटी के अंदर आकर अपना आशीर्वाद दिया। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हो, इसी प्रकार समाज देश की आप सेवा निरंतर करते रहें, प्रभु हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और लव कुश रामला कमेटी दिल से आप लोग सुनता नहीं।